हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक सटीक एग्जांपल लिया हुआ है आप लोगों के सिंपलिसिटी के लिए और बहुत ही कॉमन सेंस का एकदम सिंपल साधारण एग्जांपल है। आप पूरी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि रियलिटी क्या है और क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन हमें देखने को मिली आरकॉम के अंदर। तो देखिए, 1.55 की ओपन प्राइस के बाद 1.50 का लो और 1.60 का हाई, यानी ओपन प्राइस से 5 पैसे नीचे और 5 पैसे ऊपर। लोअर प्राइस बैंड हालांकि लगा था 1.40 का और अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था 1.70 का। 1.55 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जहां ओपन हुआ वहीं पे आकर के क्लोज भी हुआ। और अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम NSE के ऊपर जो ट्रेड हुआ 70,15,982, जिसमें से डिलीवरी परसेंट है 34%। वहीं हम बात करें BSE के ऊपर तो 31,07,466 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 51.61%। मार्केट कैप देखें तो 431.42 करोड़ है। वहीं NSE पे देखेंगे तो 428.66 करोड़ रुपए है। अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट के कुछ दिनों के रिटर्न परसेंटेज की, तो देखने लायक नहीं है, मैं वो आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये बेरिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि हमें इसके कई महीनों से इसके अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब क्या इस कंपनी के अंदर चल रहा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड हो चाहे एयरसेल हो, इन दोनों कंपनीज़ के लिए नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट आया है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को फेवर कर रहा है। लेकिन जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं जिन्होंने कर्जा दे रखा था इन कंपनीज़ को, स्पेक्ट्रम को सिक्योरिटी के तौर पर या कोलेटरल के तौर पर रखने के बाद, उन बैंक्स के लिए या उन लेंडर्स के लिए नेशनल कंपनी लॉ एपील ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई भी जजमेंट उनके फेवर में पास नहीं किया गया। जो जजमेंट आया उन जजमेंट्स के आधार पर सीधा सीधा साफ है और बहुत सारे एनालिस्ट्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया अलग अलग न्यूज़पेपर में कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है और जो एयरसेल है, इन दोनों को लिक्विडेट होने से कोई नहीं रोक सकता अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट जो है लेंडर्स के लिए नहीं देता है। वैसे यहाँ पे लोगों ने लॉजिक ये दिया था कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को ना सुने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पूरा का पूरा नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के हाथ में दिया था, बेसिकली NCLT के हाथ में दिया था। लेकिन NCLT से जो जजमेंट आता है उससे डॉट नाराज हो जाता है और डॉट NCLAT के अंदर चैलेंज करता है और फाइनली ये जजमेंट पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनता है या नहीं सुनता है ये बहुत ही ज़्यादा अहम होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है केस में। क्योंकि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट रास्ते में नहीं आएगा तो फिर ये बहुत ही बड़ी मुसीबत वाली सिचुएशन सामने खड़ी हो जाएगी। अब डॉट ही डिसाइड करेगा फिर आगे क्या होना है, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की आँखें मैं खोलना चाहता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। डॉट अगर चाहे थोड़ा अकल से काम ले, थोड़ी समझदारी से काम ले, तो डॉट का भी भला है और डॉट के साथ साथ में जो लेंडर्स हैं उनका भी भला है और साथ साथ में जो शेयर होल्डर्स हैं इन कंपनीज़ के उनका भी भला है। यानी सबका भला है, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो गाइस, समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम है मुकेश और एक का नाम है अनिल। मुकेश और अनिल दोनों सपोज करिए भाई हैं। बेसिकली यहाँ पे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऐसे दो नाम लिए हैं, एक मुकेश है और एक अनिल है, ये दोनों भाई हैं। और इन दोनों के सामने एक सिचुएशन है कि ये दोनों के घर में एक एक मुर्गी है, वो मुर्गी अंडे देती है और उस अंडे से इन दोनों का नाश्ता होता है सुबह सुबह। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक मुकेश और अनिल में से मान लीजिए मुकेश है, मुकेश थोड़ा सा ग्रेडी है, वही अनिल की अगर हम बात करें तो अनिल थोड़ा ग्रेडी नहीं है, बल्कि अनिल थोड़ा पेशेंस रखता है, थोड़ा अकल से काम लेता है। तो यहाँ पे मुकेश लालची होने की वजह से सोचता है कि उस मुर्गी को, उस हेन को या उस चिकन को एक बार में काट दिया जाए, जिससे वो बहुत सारे अंडे दे देगी और बहुत सारा उसको एक बार में माल मिल जाएगा। लेकिन वहीं अनिल की सोच इसकी ठीक उल्टी है। अनिल सोचता है यार कि एक एक अंडे रोज़ दे रही है, अगर ये खिलाते रहेंगे तो हमें, अगर लंबे समय तक अंडे देती है तो हमें ज़्यादा अंडे दे सकती है, यानी हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा अंडे आ सकते हैं अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हम इसको इसकी टेक केयर करते रहें, इसको इसका ख्याल रखते रहें, इसकी सेवा करते रहें। यानी यहाँ पे दोनों की स्ट्रेटजी जो है अलग अलग है, और दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता चल रहा होगा। मुकेश सोचता है कि एक बार में झटके से जितना मिल रहा है लेकर निकलो और हटो। अनिल सोचता है कि उसको उसका ख्याल रखो, उसको एक एक बच्चे की तरह पालो, एक छोटे से पेड़ की तरह पालो, वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टेंटली जो है पीरियड वाइज आपको फ्रूट्स देता रहेगा। तो अनिल की सोच थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट टाइप की है और वो सही सोच रहा है। मुकेश यहाँ पे जो सोच रहा है वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत सोच रहा है, लेकिन अनिल के कंपेयर में मुकेश जो है गरीब होगा। अनिल की जो सोच है वो उसको रिच बना सकती है, जबकि मुकेश की जो सोच है वो वन टाइम बच्चों वाली सोच है। मतलब बच्चों जो लॉलीपॉप या ट्रॉफ़ी के लिए, चॉकलेट्स के लिए नहीं रोते रहते हैं, एक बार उनको जितना मिल जाए ले लेते हैं, वो ये थोड़े सोचते हैं, उनको आगे पीछे सोचने का कुछ अंदाज़ा नहीं होता। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, एकदम दोनों की तरह सेम सिचुएशन डॉट और इस कंपनी के लिए सामने खड़ी है। रिलायंस कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक सोने की मुर्गी है, मुर्गी है और ये सोने के अंडे देती है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिस एंगल से देख रहा है ना, जिस एंगल से सोच रहा है, उस एंगल से बिल्कुल यही निष्कर्ष निकलता है, यही कंक्लूशन निकलता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को स्लॉटर हाउस में ले जा करके कटवा दिया जाए, यानी बिल्कुल मुर्गी को कटवा दो, एक बार में जितना अंडे निकलने हैं निकल जाएंगे, जितना मिलना है मिल जाएगा, निकल लेंगे लेके। वहीं दूसरी साइड पे लेंडर्स हैं और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी UVARCL है। इन दोनों का मानना है कि यहाँ पे बेसिकली लेंडर्स की जो सोच है वो ये है, वो अनिल की तरह है बिल्कुल, वो ये सोचते हैं कि इस कंपनी को अगर हम एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देते हैं, यानी अगर UVARCL एक्वायर कर लेता है इस केस में, इस कंपनी के बिजनेसेस को फंक्शनल बना सकता है तो बनाए, इसके ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ये मुर्गी बिल्कुल ही ख़राब है, स्लॉटर हाउस में खड़ी थी कटने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल, आप उसकी केयर करोगे, आप उसका ख्याल रखोगे तो अंडे देना बिल्कुल बंद ही कर देगी, या बंद कर दिया है उसने जिस दिन से स्लॉटर हाउस देख लिया, ऐसा तो है नहीं कुछ। आप उसकी केयर करो, तुरंत नहीं देगी, लेकिन आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, फिर वो अपने रूटीन में आ जाएगी तो आपको सोने के अंडे देने लगेगी, यार सीधी सी बात है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड वैसा नहीं है कि बिल्कुल आज आप खरीदो, आज UVARCL इसको खरीदे और आज के आज इसके पैसे बिल्कुल उगने लगे, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, थोड़ा प्रोक्योर करना पड़ता है चीज़ों को, इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो अगर किसी भी तरीके से इस कंपनी के डेटा सेंटर के बिजनेस को और भी जो इससे जुड़े हुए छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उन सभी को अगर ऑपरेशनल बना दिया जाता है, फंक्शनल बना दिया जाता है, इस केस में आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन, 20 दिन बाद, साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, इवन 5 साल बाद, जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को धीरे धीरे करके कंपनी से अगर कुछ जनरेट होगा तो उसको भी पे किया जा सकता है, और साथ साथ में जो लेंडर्स हैं, जो उधार देने वाले बैंक्स हैं उनको भी मिलेगा, और साथ साथ में जो शेयर होल्डर्स हैं
उनको भी इस बात की नाराज़गी नहीं होगी या उनका भी इस बात को लेके दिल नहीं टूटेगा कि इस कंपनी का मैनेजमेंट इतना गंदा था कि लास्ट में उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा। इस तरीके की शिकायत करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं कि लोग इस तरीके की सोच रखेंगे। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अनिल की जो सोच है वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी सही है। यहाँ पे अनिल जो एग्ज़ाम्पल लिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो, राइट। तो गाइज, यहाँ पे मेरा मानना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो बच्चों वाला बिहेवियर है उसको चेंज करके थोड़ा समझदारी वाला बिहेवियर ले आना चाहिए, और जिससे यहाँ पे सबके लिए फ़ायदा हो। सिर्फ अपना फ़ायदा सोचोगे तो फिर वही है कि आप एक तरीके से बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। एक बार में आपको जितना टॉफ़ी मिलनी है मिल जाए, जितना चॉकलेट्स मिलनी है मिल जाए, उसके बाद आपको, आप तो बिल्कुल, मतलब उसके बाद की आपको सोचना ही नहीं आता, मतलब उसके बाद की दुनिया को आप जानते ही नहीं हो। यू आर जस्ट किडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे लंबा ऊपर नीचे सोच के डिसीजन लेने चाहिए, फाइनल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात जो है मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ। गाइस, जो कुछ मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, मैं अपने तरीके से इसको देखता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप चाहें तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, आपको ये डिसीजन जो है अच्छा लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये सही है और ऐसा ही होना चाहिए। आप भी, अगर आप होते इस पूरे मामले में, तो आप भी शायद अनिल की तरह सोचने की कोशिश करते, राइट। लेकिन मुकेश की तरह सोचना थोड़ा सा इसलिए अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि लोगों को वन टाइम में गेन दिखता है, तो लोगों को लगता है अरे यार एक एक मिल रहा है छोड़ो हटाओ, अचानक मिल रहा है सब लूटो, एक एक सोने के अंडे मिलेंगे, इससे अच्छा यहाँ पे 50 अंडे एक साथ मिल रहे हैं, 50 को लूटो और निकलो, राइट। तो थोड़ा सा दोनों के लिए सिचुएशन आसान नहीं है, लेकिन दोनों के लिए अब डिफरेंट है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।